गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू क्लास फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोज़ में हमने चैप्टर 5 दी क्लोज वीवियर पढ़ा था और समझा था। बच्चों, हमने इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोज, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोज डिफरेंट डिफरेंट सीजन में पहनते हैं। जैसे बच्चों, हम समर सीजन में कॉटन क्लोज पहनते हैं एंड विंटर सीजन में हम वुलन क्लोज पहनते हैं जो हमें गर्म गर्म लगते हैं। रेनी सीजन में बच्चों, हम गम बूट्स, अम्ब्रेला, रेनकोट्स, इनका सबका यूज़ करते हैं जो हमें बारिश में भीगने से बचाते हैं। और बच्चों, हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोज पहनने चाहिए जो जिनमें हम स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। इन सब के बारे में पढ़ा था। आगे बच्चों, हमने इसकी एक्सरसाइज ए चूज एंड टिक राइट द करेक्ट वर्ड। बच्चों, हमने करेक्ट वर्ड पर राइट का मार्क किया था। एंड बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। बच्चों, हमने हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया था। एंड सी, मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों, हमने सही मैच किया था, सही वर्ड को सही से मैच किया था। आई होप आपने अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज ए, बी एंड सी राइट डाउन किया होगा एंड लाइन किया होगा। आज बच्चों, हम करेंगे एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज डी। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाई डू वी नीड क्लोथ। कि बच्चों हमें कपड़े क्यों चाहिए, तो बच्चों क्यों ज़रूरत होती है कपड़ों की। हम बच्चों इनके डी एक्सरसाइज हम नोटबुक में करेंगे। तो देखो बच्चों हमारी एक्सरसाइज डी, व्हाई डू वी नीड क्लोथ, कि हमें कपड़े क्यों चाहिए। तो बच्चों आंसर होगा, वी नीड क्लोथ टू कवर आवर बॉडी, कि हमें हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, हमें शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, उनकी ज़रूरत होती है। आगे देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी वियर इन समर। कि बच्चों हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम क्या पहनते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा, इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ। कि बच्चों हम समर सीजन में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ। क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, व्हाट डू वी वियर इन समर, कि हम गर्मियों में क्या पहनते हैं। तो समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ, समर सीजन में हम क्या पहनते हैं बच्चों, कॉटन क्लोथ। आगे देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर्स। कि बच्चों हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो बच्चों आंसर होगा, वुलन क्लोथ कीप अस वार्म एंड कोजी। वुलन क्लोथ हमें गर्म और आरामदायक रखते हैं, क्योंकि बच्चों सर्दियों में क्या होती है, ठंड होती है। तो वुलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़े हमें क्या रखते हैं, गर्म और कोजी एंड देखभाल करते हैं वो हमारी। आगे देखो बच्चों, गर्म और आरामदायक यानी कोजी यानी आरामदायक रखते हैं। आगे देखो बच्चों, व्हेन डू वी यूज ए रेनकोट्स। कि बच्चों हम रेनकोट्स का यूज़ कब करते हैं, रेनकोट्स का यूज़ कब करते हैं। तो बच्चों मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था रेनकोट्स का यूज़ कब करते हैं। वी वियर रेनकोट्स व्हेन इट रेन्स। कि बच्चों हम रेनकोट्स का यूज़ रेन में करते हैं, कब करते हैं बच्चों, जब बारिश आती है तब हम इसका यूज करते हैं, तब हम इसे पहनते हैं। आगे देखो बच्चों, नेम टू थिंग्स डेट आर यूज ड्यूरिंग रेन्स। कि बच्चों हम बारिश के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली दो चीज़ों के नाम बताओ। बारिश के समय जो हम दो चीज़ें यूज करते हैं उनकी नेम बताने हैं। तो बच्चों हम किस किस का यूज़ करते हैं, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला। तो बच्चों हम किस किस का यूज़ करते हैं, रेनकोट्स अम्ब्रेला। तो बच्चों रेनकोट्स की स्पेलिंग देखो, RAINCOAT, रेनकोट। सेकेंड है बच्चों, UMBRELLA, अम्ब्रेला, रेनकोट्स और अम्ब्रेला एंड छाता, इनका यूज करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू वी नीड क्लोथ, कि हमें कपड़े क्यों चाहिए। बच्चों आंसर था, वी नीड क्लोथ टू कवर आवर बॉडी, हमें कपड़े हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, पहनने के लिए जरूरत होती है। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डू वी वियर इन समर, हम गर्मियों में क्या पहनते हैं। तो बच्चों इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ, कि बच्चों हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ पहनते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर्स, कि बच्चों हम सर्दियों में वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं। तो बच्चों हम वुलन क्लोथ ऊनी कपड़े हमें गर्म, वार्म एंड कोजी रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, ये हमें गर्म और आरामदायक रखते हैं।
तो बच्चों वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म एंड कोजी। आगे देखो बच्चों, फोर, व्हाई डू वी यूज अ रेनकोट, कि हम रेनकोट का यूज क्यों करते, कब करते हैं? तो बच्चों हम इसका यूज जब बारिश आती है तब करते हैं। वी वियर रेनकोट्स व्हेन इट रेन्स। आगे देखो बच्चों, फाइव, नेम टू थिंग्स डेट आर यूज ड्यूरिंग रेन्स, कि बच्चों हमें रेन बारिश के समय हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, उनके दो के नाम लिखने हैं, किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उनका यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो बच्चों रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला। आगे देखो बच्चों, ये तो थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज डी, 1, 2, 3, 4, 5। आगे देखो बच्चों एक्सरसाइज ई, राइट ट्रू और फॉल्स। बच्चों हमें जो सही वर्ड है उस पर तो ट्रू राइट करना है, और जो गलत है सेंटेंस है उस पर क्या करना है, फॉल्स करना है। ट्रू मीन्स विद तो सही, फॉल्स मीन्स गलत। तो बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, कि बच्चों कपड़े हमें हमारी बॉडी को कवर, बच्चों क्वेश्चन है वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, कि हमारे शरीर को ढकने के लिए, हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, कि बच्चों हाँ हमारे शरीर को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। तो ये बात तो क्या है बच्चों, ये सेंटेंस क्या एकदम सही है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों हम, ट्रू। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अभी जो सही होगा उसमें हमें क्या करना है, ट्रू। तो बच्चों ये बात तो एकदम सही है, तो इसमें हमने क्या किया, ट्रू। आगे देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, वूलन क्लोथ्स कीप अस कूल, कि वूलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े हमें क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो बच्चों ये तो बात गलत है, अभी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि वूलन क्लोथ्स तो हमें गर्म रखते हैं। तो बच्चों कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं, तो वूलन क्लोथ्स क्या रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। तो ये बात क्या है बच्चों, एकदम रॉन्ग है, गलत है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, फॉल्स, क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, फॉल्स। आगे देखो बच्चों, थर्ड, अम्ब्रेला कीप अस सेफ फ्रॉम गेटिंग वेट, कि बच्चों अम्ब्रेला कीप अस सेफ फ्रॉम गेटिंग वेट, कि अम्ब्रेला यानी छाता हमें गीला होने से बचाता है, छाता हमें क्या होता है, गीला होने से बचाता है। तो बच्चों सही है ना, रेनी सीजन में बारिश के समय हमें क्या करता है, ये गीला होने से बचाता है। तो बच्चों ये क्या है, सेंटेंस एकदम सही है, तो इसमें हम ट्रू करेंगे। आगे देखो बच्चों, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, कि बच्चों हमें ऊन भेड़ से मिलती है, किससे मिलती है बच्चों, हमें ऊन भेड़ से मिलती है। तो बच्चों ये सेंटेंस भी एकदम सही है, तो इसमें तो बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रू। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, की हमारे शरीर को कवर रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, हमें ज़रूरत होती है कपड़ों की, हमें शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, ये बात क्या है बच्चों एकदम सही, तो इसमें हमने क्या किया, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन था वूलन क्लोथ्स कीप अस कूल, वूलन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो बच्चों ये सेंटेंस क्या गलत है, वूलन क्लोथ्स तो हमें गर्म रखते हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, फॉल्स। थर्ड है अम्ब्रेला कीप अस सेफ फ्रॉम गेटिंग वेट, कि अम्ब्रेला हमें गीला होने से बचाता है, तो बच्चों ये एकदम सही है, इसमें हम ट्रू करेंगे। फोर्थ वी गेट वूल फ्रॉम सीप, कि ऊन हमें बेड से मिलती है, तो ये बात भी एकदम सही है, तो बच्चों इसमें हम करेंगे ट्रू। तो बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एक्सरसाइज डी के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, एंड एक्सरसाइज ई, राइट ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। एंड बच्चों आपको लास्ट में वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।